महोबा के जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। हंगामे की सूचना पर पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार में एक लुटेरे ने बैंक से 20,000 रुपए निकाल कर घर जा रहे व्यक्ति का बैग छीन लिया। हल्का नंबर 2 की कांस्टेबल योगेश ने लुटेरे को दौड़ाकर पकड़ लिया। व्यापारी अब पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले मेयर प्रमिला पांडे ने चुन्नीगंज स्थित GIC मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई, सुरक्षा, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भगवान हमारे शहर में आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था एकदम ठीक है और हमारा पूरा नगर निगम परिवार, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। सब आप देख ही रहे हो, शाम तक 7-8 बजे तक पूरा कंप्लीट तैयार है। रायबाला में बुधवार को पंचायत घर में शिविर का शुभारंभ मंत्री डॉक्टर प्रेम चंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की सराहना की। शिविर में उन्होंने स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी और स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। कानपुर के कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में 5 दिवसीय भारत स्काउट और गाइड राज्य स्तरीय टेस्टिंग कैंप 2024-25 का शुभारंभ कर्नल अविनाश डी और हिमाडी ने किया। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य सोमपाल ने बताया कि शिविर में 400 बच्चे भाग लेंगे। मैं सोमपाल, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट। आज से हमारे यहाँ 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप स्काउट और गाइड ये प्रारंभ हुआ है और आगामी 5 दिनों में विभिन्न टेस्टिंग के फेज से बच्चे गुजरेंगे और इसमें जो सफल बच्चे होंगे वो आगे फिर राष्ट्रपति पुरस्कार के कैंप के लिए जाएंगे। हरदोई में RTO लखनऊ ने ARTO कार्यालय का निरीक्षण किया और ARTO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। RTO प्रवर्तन संदीप पंकज ने बिना परमिट और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नाबालिग वाहन चालकों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। नए कानून के तहत अभियोग दर्ज करने और FSL टीम को घटनास्थल पर बुलाने के बारे में भी चर्चा की गई। जनपद में जनता की ओर से हमारे पास बार बार ये शिकायत आ रही है कि कई लोग अपने गोवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं और ये गोवंश सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं, जिस कारण से कई रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं होती रहती हैं और उसमें कई बार कस्बों में, शहर में न्यूसेंस भी क्रिएट होता है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम लोग बार बार सभी जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप अपने गोवंश को कभी सड़कों पर आवारा ना छोड़ें। बलरामपुर पुलिस ने अपनी पत्नी के मर्डर के आरोपी पति शंकर दयाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 6 अगस्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की पत्नी का शव मिला था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफलता पाई है। इस खुलासे के लिए SIT का गठन किया गया था। रामपुर में 6/8/2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 बोरों में बॉडी कटी हुई पार्ट्स मिले थे और उसका पुलिस ने पंचायतनामा कराया, उसके बाद नियमावत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके सफल अनावरण के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें कि एडिशनल SP के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम करते हुए इसका सफल अनावरण किया है। यहाँ पे बॉडी भी अज्ञात थी और कातिल भी अज्ञात था। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, CCTV के माध्यम से और लोकल मुख्य ब्यूरो के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुँचे। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के तेज कटान से के कारण दर्जनों मकान नदी में समा गए और निगासन तहसील के ग्राट नंबर 12 में 2000 ग्रामीणों की जान खतरे में है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए ग्राम प्रधान और ग्रामीण DM कार्यालय पहुंचे और SDM को शिकायती पत्र देकर सुरक्षित स्थान पर सामान पहुंचाने की मांग की।
ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में आयरलैंड की 32 वर्षीय विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 20 अगस्त को महिला के स्टे होम से बाहर निकलते समय एक युवक ने छेड़छाड़ की। पौड़ी एसएसपी के अनुसार लक्ष्मण झूला थाने में केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू की गई है। हमारे पास एक शिकायत थाना लक्ष्मण झूला में प्राप्त हुई थी, जिसमें एक आयरिश महिला के द्वारा एक जिला पौड़ी के निवासी पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी तथा उनके द्वारा आरोप लगाए थे गए थे कि इस पुरुष के द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना लक्ष्मण झूला में FIR पंजीकृत की गई और उक्त व्यक्ति को भी डिटेन किया गया तथा उपरोक्त व्यक्ति को धारा 35 BNCS में नोटिस शामिल करवाया गया है। मंगलौर कस्बे में मुस्लिम और हिंदू समुदाय ने मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया और आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की। शोभा यात्रा में विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान और उनके साथियों ने भक्तों का स्वागत किया और इस दौरान प्रसाद का भी वितरण किया गया।